ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೋದಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಹುತ ಧನ್ಯವಾದ ಮೋರಾ ಸುಲ್ತಾನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕರವಾನೆ ಗರ್ಮಿ ಪಧಾರೆ ಆಪ್ಕಾ ಸ್ವಾಗತ ಬಹುತ ಬಹುತ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನ ಬಹುತ ಬಹುತ ಧನ್ಯವಾದ ಆಜ ಮೈ ದೇಖ ರಹಾ ಹೂ ಕಿ ಮಹಿಳಾಓ ನೆ ಭಿ ಸಾಫಾ ಪಹನ್ ರಖಾ ತೋ ಆಪ್ ಮಹಿಳಾ ಹಮಾರಿ ಉಮೀದವಾರ ಹೈ ಔರ್ ಯೇ ಸಂಕೇತ ಹೈ ಅಬ್ ಮಹಿಳಾಯೇ ಡಟ್ ಕರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಆಯೇಂಗಿ ಔರ್ ಭಾಜಪಾ ಕೋ ಹರಾಯೇಂಗಿ ದಾವಾ ತೋ ಕರ ರಹೇ ಆದರಣೀಯ ಸಾಥಿಯೋ 2014 ಮೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೀ ವಾದೆ ಕಾಲಾ ಧನ ಆ ಜಾಯೇಗಾ ಕಿತನಾ ಕಾಲಾ ಧನ ಆ ಜಾಯೇಗಾ ಕಿ ಹರ ಖಾತೆ ಮೇ 15-15 ಲಾಖ ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಹೋ ಜಾಯೇಂಗೇ ಕಹಾ ಥಾ ಕೇ ನಹೀಂ ಕಹಾ ಥಾ ಅಚ್ಛಾ ಬತಾವೋ ಕಿತನೆ ಲೋಗೋ ಕೆ ಖಾತೆ ಮೇ 15 ಲಾಖ ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ ಬತಾವೋ ಜಿನ್ಕೆ ಖಾತೆ ಮೇ ನಹೀಂ ಆಯಾ ಉನ್ಹೊನ್ನೆ ತೋ ಹಾಲ್ ಕೇ ಮೈ ಕಹತಾ ಹೂಂ ಭಾಯಿ ಲಿಖಾ ತೋ ಆಯಾ ಹೋಗಾ ಕಿ ಜಿಸ್ಕೆ ಖಾತೆ ಮೇ ಅಕ್ರೋ ಜ್ಞಾನ ಹೈ ಜಿಸ್ಕೆ ಖಾತೆ ಮೇ 15 ಲಾಖ ರೂಪಾಯಿ ಮೋದಿ ಜೀ ನೆ ಭೇಜ ದಿಯೆ ಹೋ ಕಾಮ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ ಆತಿ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಅರೆ ಉಲ್ಟಿ ಲಿಯೆ ರಾಜಾ ಸಾಹಿಬ್ ಪ್ರೇಮ್ ಬನ್ನಾ ಅರೆ ಮಗೋ ಅರೆ ಹಾಲ್ ಇದೆ ಅಭಿ ಮೇ ಏಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾ ಥಾ ಬೈರಸ್ ಗಯಾ ಮೈ ಅರೆ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಕೆ ತೋ ಮೈನೆ ಪೂಛಾ ಕೆ ಭೇಜ ಕೋಈ ಹೈ ಜಿಸ್ಕೆ ಖಾತೆ ಮೇ 15 ಲಾಖ ರೂಪಾಯಿ ಹೈ ತೋ ಏಕ್ ಲಡ್ಕಾ ಗುಲಾಬಿ ಶರ್ಟ್ ಪಹನ್ ಕೆ ಖಡಾ ಥಾ ಕೆ ಸಾಹಿಬ್ ಮೇರೆ ಖಾತೆ ಮೇ ಆ ಗಯಾ 15 ಲಾಖ ರೂಪಾಯಿ ಮೇರೆ ಕಾ ಜಾ तो जब मैंने मंच उत्तर में खाता नंबर बता दे कि साहब खाते में नहीं आए लेकिन उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके 15 लाख रुपए हमारे खाते में भेज दिए। इनसे बड़ा झूठा कोई पैदा हुआ है क्या आपने बताओ? मोदी जी से बड़ा झूठा और प्रांत में मामा जी से बड़ा झूठा पैदा हुआ है ना होगा। ये झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करके देश में हुकूमत उन्होंने चलाई। अरे बेटा मुझे बेटा नोटबंदी में आपने सबका पैसा और मोदी जी मुस्कुराते कहते हैं कि आज की रात से आपका पैसा जो है धरती का कागज हो गया। मोदी जी ये आपकी कमाई का पैसा था क्या? ये हमारी कमाई का पैसा था, गरीब मजदूर का पैसा था जिसको आपने रद्दी बना दी और 1-1 हजार रुपए बदलने में 20-25% की दलाली आप लोगों ने खाई। 1 हजार रुपए का नोट बताओ कितने में मिला? नहीं नोट कितने मिले बताओ? 50% तो यहाँ तो कुछ दलाली ज्यादा चल गई हमारे कारण। अमित शाह ने दलाली ली 32-40%, लेकिन लगता है रोड पर कागज देते तो 50% का मामला मान रहा है। केवल झूठ बोलकर जनता को लूटना ही इनकी आदत है। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व विधायक डॉक्टर यतीन ओझा गुजरात के, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से कहा कि आपको मैं सूचित कर रहा हूं, अमित शाह जी और उनके चेले 1 करोड़ पुराने नोट देकर
सारे 67 लाख नए नोट दे रहे हैं, यानी कि 32.5 लाख 1 करोड़ रुपए दलाली खा रहे हैं। ये मेरा आरोप है अमित शाह जी आप पर, और आपने हिम्मत हो तो मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करके दिखाओ। कांग्रेस के राज में मैंने वादा किया था गरीबों के घर में कोई बिजली का बिल नहीं जाएगा, एक पैसा वसूल नहीं होगा, मुफ्त में बिजली दी जाएगी गरीबों को, किसानों को 5-6 साल के बिजली मुफ्त में दी जाएगी, शिक्षक बेरोजगारों को भत्ता दिया कि नहीं दिया, और पंचायती राज लाए कि नहीं लाए, गांव के लड़कों को नौकरियां दी कि नहीं दी। अब इन्होंने कौन सा वादा पूरा किया? एक वादा पूरा नहीं किया, और केवल झूठ बोलकर। अभी मैं देख रहा था पोस्टर लगे बड़े बड़े ठग मास्टर, ये ठग मास्टर तो हमें आपको मालूम है, मैं नहीं बताऊंगा कौन ठग मास्टर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने वादा किया और वादा नहीं निभाया। ये मैं कहने आया हूं, दिग्विजय सिंह के बारे में कहते हैं कि दिग्विजय सिंह हिंदू विरोधी है। मैं पूछना चाहता हूं उन सभी लोगों से जो मुझे हिंदू विरोधी कहते हैं, जरा नागोगढ़ में जाके जरा देखो तो किले में कितने मंदिर हैं, 7 मंदिर हैं, और उसके बाद कितने भाजपा के नेता हैं जिन्होंने नर्मदा नदी परिक्रमा की हो, जरा बता दो। एक दीदी, अरे मामा ने करी तो हेलीकॉप्टर से करी, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से करी, लेकिन मैं 6 महीने 10 दिन तक माँ नर्मदा जी के किनारे चलता रहा परिक्रमा की, और मुझे कहते हैं हिंदू विरोधी। गोल्डन ब्रिज पर्वत की मैंने परिक्रमा 4 बार की है संकेत से, और कहते हैं कि मैं हिंदू विरोधी। एकादशी का व्रत करता हूँ तो कहते हैं हिंदू विरोधी हूँ, और तुम क्या करती हो? ये वो लोग हैं जो हमारे स्थापित धर्मों के मूल्यों पर राजनीति करते हैं। एक भी देश में एक शंकराचार्य जी इनके साथ नहीं है, फर्जी शंकराचार्य बनाए हुए हैं, धर्म को बेच रहे हैं। ये देश में सभी धर्मों का सम्मान है, हम सब एक हैं। मैं नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा हम सब आज बोलेंगे एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। दूसरा नारा लगाऊंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप कहेंगे आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये देश सबका है, हम सब लोग मिलकर इसको महान बनाएंगे। राजगढ़ में जो कुछ हुआ कांग्रेस ने किया, जितने बांध बने, जितने यहाँ काम हुए, केंद्रीय विद्यालय खुला, कॉलेजों में जगह जगह कॉलेज खुले, जितना काम हुआ हाथ बड़े बड़े बांध हमने बनवाए, पूरे रेल हमने रामगंज मंडी से भोपाल तक की मजबूत कराई, उसमें थोड़ा सा अभी विलंब है, हम उसको पूरा कराएंगे। जैसा कि प्रेमव्रत जी ने कहा, रोड पर नागर जी ने कहा मैं 2019 तक करा दूंगा, अब रोड पर जी नागर को कहां ढूंढोगे कि उनको 2019 तक पूरा कराए। जब वो उनका जब मामा जी आए थे तो रोड पर नागर जी के वेयर हाउस में ही रोड पर नागर जी के खिलाफ नारे लगे, मैंने नहीं लगाए, भाजपा के नेताओं नहीं लगाए। तो आपसे ये कहने आया हूं
कि मोना सुस्तानी चुनाव नहीं लड़ रही है, दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ना है। जैसे आप मुझे समर्थन देते थे वैसे ही आपको मोना सुस्तानी जी को चुनाव जिताना है। ये कांग्रेस की उम्मीदवार है, राहुल जी की उम्मीदवार है, ये सोनिया गांधी जी की उम्मीदवार है। अब मैं लड़ रहा हूं भोपाल से। बहुत सारे लोग भोपाल में मेरा प्रचार करने आ रहे हैं। 28 अप्रैल तक आपको इजाजत है भोपाल में प्रचार करने की। 28 अप्रैल के बाद कोई राजकर्ता मतदाता पार्लियामेंट सीट का मतदाता भोपाल संसदीय क्षेत्र में नहीं दिखना चाहिए, उसको बुरा व्यक्ति बताना है। कृषि जी मंजूर है? धन्यवाद। सबसे बड़े भगोड़े उसी में चौकीदार जोरे चौकीदार जोरे। मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूँ, मैं एक दिन हर असेंबली सीट में पब्लिक मीटिंग करूंगा 8 और 10 मई के बीच में, आप लोग तय कर लें। लेकिन मेरा दिल दिमाग और हर तरह से मैं राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, खबरें लेता रहूंगा। कोई नाराजी है तो माफ कर देना, कहीं कोई मुझसे गलती हो गई हो तो माफ कर देना, लेकिन जिताना आपने तो है कांग्रेस पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी चवन्नी का कर्जा माफ नहीं कर पाई और जगह जगह कह रहे हैं कि ये तो ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हो गया। जैसा कि आपको बताया प्रभारी मंत्री जी ने, कर्जा माफ हो गया है, सर्टिफिकेट मिल गया है, पैसा भी खाते में आ गया है, बाकी जो बचा है वो चुनाव के बाद पूरा कराएंगे। और ये मैं जमानतदार हूँ, ये देश का पेंशन 300 रूपये मिलती थी, मामा जी ने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली, लेकिन गरीब विधवाओं की वृद्धा पेंशन नहीं बढ़ाई, अब 300 रूपये की हो गई 600 रूपये। और अब सामूहिक विवाह में पहले मामा जी कमीशन लेके साड़ी और कुछ भेज देते थे, उसमें भी कमीशन खा जाते थे। हमने कहा नहीं, नगद जाएगा, 51,000 नगद का जाना है कन्याकान योजना के अंतर्गत। आपसे यही प्रार्थना है, आप सब लोग मिलकर 12 मई को होने वाले चुनाव में भारी बहुमत से मोना सुस्तानी जी को जिताइए। बाबू हमारे गुलाब सिंह जी बाबू जी, इन्होंने क्या नहीं किया कांग्रेस पार्टी के लिए, 71 में एमएलए बन गए थे, हम उनके सम्मान सबको जो उनके घर आया उन्होंने मदद की, ऐसा सज्जन परिवार है ये। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सब लोग मिलकर मोना सुस्तानी जी को जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।